हेलो, करंट अफेयर्स की सीरीज में ये वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन पर है और ओपेक पर है। ओपेक न्यूज में रहा है क्योंकि अंगोला जो अफ्रीकी कंट्री है वो ओपेक से बाहर हो गया है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया, जो यूरोप का देश है, उसकी राजधानी वियना में है। ओपेक का बेसिकली क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्थायी अंतर सरकारी जो है संगठन है, दैट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। जो भी ओपेक की सदस्य देश हैं इनकी जो पेट्रोल से संबंधित नीतियां हैं उनमें समन्वय स्थापित करना और उनको एक रूपता देना इसका उद्देश्य है। स्थापित जो एस्टेब्लिश हुई थी बगदाद में हुई थी, अब इराक बगदाद में, इराक में है, इराक की राजधानी बगदाद है 1960 में, लेकिन औपचारिक रूप से जनवरी 1961 में ये संगठन अस्तित्व में आया। 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई और ये इफेक्ट में जो हुआ जनवरी 1961 का है। ओके, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने कहा पिछले पेज पर, द टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोल पॉलिसी अमंग मेंबर कंट्री, जो सदस्य राष्ट्र है उनके मध्य जो पेट्रोल से संबंधित नीतियां हैं, पेट्रोलियम नीतियां हैं, उसके भी संबंध में और एक रूपता स्थापित करना, टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, और जो पेट्रोल उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनके जो हैं उनके लिए उचित और स्थायी जो है क्या कहते हैं कीमतों को सुनिश्चित करना, इंश्योर इफिशेंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशंस, और ऐसे राष्ट्र जो जो है इसको क्या कहते हैं इसका उपभोग करते हैं, इसको उपयोग करते हैं, उनको जो है एक कौशलपूर्ण आर्थिक और नियमित रूप से उसकी कुशलतापूर्वक और जो है आर्थिक और नियमित रूप से उसकी आपूर्ति हो सके, इसका उद्देश्य है। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि एक बैरल जो है क्या होता है। बैरल बेसिकली एक यूनिट है, इकाई है, जो लगभग इसमें से 159 लीटर होता है। ये आ चुका है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा था बैरल क्या होता है। अच्छा, करंट ओपेक मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें मैंने डिस्कस किया है, और जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं वो हैं, और जो इसके भूतपूर्व सदस्य रहे हैं संगठन उनकी लिस्ट बनाई गई है। ये करंट ओपेक मेंबर्स सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, गैबॉन, लीबिया, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजीरिया, वेनेजुएला, रिपब्लिक ऑफ कांगो। सऊदी अरब एशिया, ये यूएई एशिया, ईरान, इराक ये एशिया कंट्री है, कुवैत भी एशिया में, अल्जीरिया जो अफ्रीकी कंट्री है, गैबॉन भी अफ्रीकी कंट्री है, और आपके लीबिया भी अफ्रीकी कंट्री, इक्वेटोरियल गिनी भी अफ्रीकी कंट्री है, नाइजीरिया जो है अफ्रीकी कंट्री है, वेनेजुएला साउथ अमेरिकी में पड़ता है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, ये साउथ अमेरिकी कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है ये आपके अफ्रीका में है। अच्छा, नॉन ओपेक में कंट्री ऐसे देश जो ओपेक से बाहर है लेकिन इससे नीतियों से जुड़े हैं, जिनको ओपेक प्लस भी कहते हैं, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ये नॉन ओपेक कंट्री है जिनको ओपेक प्लस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ओपेक और प्लस ओपेक प्लस में 22 मेंबर्स सदस्य हैं। कुछ ऐसे सदस्य जो पहले रहे हैं ओपेक के अब नहीं हैं, भूतपूर्व ओपेक मेंबर हैं, अंगोला, जैसे मैंने बताया कि अंगोला ने रिसेंटली जो है हाल ही में इसको इस संगठन से बाहर आया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया एंड कतर। अच्छा, ये कुछ टर्म है, ब्रेंट क्रूड बेसिकली ये एक बेंच मार्क है, एक पैमाना है, कसौटी है जिसको पैमाना कहते हैं, जो क्वालिटी के लिए यूज होता है। ब्रेंट क्रूड वाइड इज यूज बेंच मार्क फॉर क्वालिटी दैट डिफाइंस
ऑयल प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड, जिससे तेल की कीमतें जो है विश्व में तेल की कीमतें निर्धारित होती है, ये गुणवत्ता की एक कसौटी या पैमाना है ब्रेंट क्रूड। और भी दूसरे विश्व में कई जो है बेंचमार्क है, उसमें से जो है आपके वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दुबई क्रूड।